यूनोवा लीग में मिली शर्मनाक हार के बाद ऐसा लग रहा था कि एस अब पहले से भी कमजोर ट्रेनर बन चुका है, और अगले रीजन में तो उसका सामना और भी ताकतवर ट्रेनर से होने वाला था, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली थी। लेकिन हम इस बात से एकदम अनजान थे कि अब एस कैचम कमबैक करने के लिए रेडी है। इस सीजन में उसने और उसके पोकेमॉन्स ने जो कारनामे किए, उस वजह से ये आज भी ज्यादातर लोगों का फेवरेट सीजन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन एक्स वाई जी की। लेकिन क्या ये सच में सबसे बेस्ट सीजन था? क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सुना होगा कि ये सीरीज जापान में फ्लॉप हो गई और इसी वजह से पोकेमॉन सन एंड मून में एनिमे का आर्ट स्टाइल एकदम चेंज कर दिया गया था। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? इस बारे में बात करें इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों एक्स वाई इतना पॉपुलर हो गया। तो चलिए चलते हैं कैलॉस, Where dreams and adventures begin. सबसे पहला रीजन है मेगा एवोल्यूशन। बचपन से ही प्रोफेसर ओक ने हमें ये समझाया था कि कोई भी पोकेमॉन सिर्फ 3 स्टेज तक ही इवॉल्व हो सकता है, लेकिन कैलॉस में सिका वार्ड ने कहा नहीं, कुछ पोकेमॉन और भी ज्यादा विकसित हो सकते हैं। और ये देख के काफी सारे लोगों के होश उड़ गए। मेगा एवोल्यूशन को जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो भी काफी ऑसम था। 4 स्पेशल एपिसोड्स बनाए गए इसके लिए, और इनमें से भी ये जो तीसरा एपिसोड है ना, वो तो मेरा फेवरेट है। इसमें ग्रोडॉन, कायोगर और रिक्वेसा के बीच बैटल देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एपिसोड देख रहा हूँ, मुझे फील हो रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। मेगा एवोल्यूशन ने सच में पोकेमॉन बैटल्स में फिर से जान डाल दी थी। इससे ज्यादा कूल कुछ भी नहीं है पोकेमॉन में। अगर ऐसा आप सोचते हो तो फिर दोबारा सोचो, क्योंकि इससे भी एक स्टेप आगे है बॉन्ड एवोल्यूशन। बाकी लोगों को कीस्टोन और मेगा स्टोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे हीरो को घंटा किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक बंदा बॉन्ड एवोल्यूशन कर सकता है और वो है एस, और वही है हमारा रीजन नंबर 2। पिछली सीरीज यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में एस अपने गोल को लेकर इतना सीरियस नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो पिकनिक पे आया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, वो बहुत सीरियस था जीतने के लिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्स वाई में एस अपने प्राइम फॉर्म में आ गया था। जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे पेल देता था। हाँ, एक अलान बच गया था, लेकिन वो क्यों बचा उसके बारे में आगे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सीरीज में एस का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा था। यस आई नो, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है डायमंड एंड पर्ल में उसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था। क्योंकि अगर टोबायस नाम का राक्षस जो पोकेमॉन कंपनी ने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी एस के साथ, अगर ये सिनो लीग में ना होता तो एस पक्का जीत जाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कैलॉस का एस सिनो के एस से बेहतर है। बताए वो दोनों एक ही इंसान है, लेकिन तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि युनोवा में जो उसके साथ कांड हुए थे उन सभी चीजों को भुला के ऐसा कमबैक करना, ये सही मायनों में कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और इसमें उसकी मदद की उसके पोकेमॉन्स ने, जो है हमारा रीजन नंबर 3। इस रीजन में एस ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और सिर्फ 5 पोकेमॉन्स पकड़े। और जरा देखो इस टीम को, सब एक से बढ़के। सबसे पहले बात करते हैं टैलोन फ्लेम की। एस के बाकी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की तरह, अनफेसेंट को हटाओ, बाकी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की तरह ये भी काफी कूल और ताकतवर है। और जिस तरीके से ये दोनों बार इवॉल्व हुआ वो भी काफी ऑसम था। सबसे पहले तो एक टैलोन फ्लेम से बैटल करते वक्त फ्लैशलिंग फ्लैशिंडर बना, इसके बाद उसका सामना होता है मोल्ट्रेस के साथ और तब वो फाइनली टैलोन फ्लेम बन गया। एस ने इसे टोटल 19 बैटल्स में यूज किया था, जिनमें से वो 9 जीत पाया और 1 टाई हो गई। सो कह सकते हो कि इस पोकेमॉन का विन रेट 50% जो कि बुरा नहीं है। और फिर आता है इस टीम का वो पोकेमॉन जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, यानी कि होलूचा। जब मुझे ये पता चला कि ये पोकेमॉन विकसित नहीं हो सकता, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाकी टीम मेंबर जितना ताकतवर नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं एकदम गलत था। होलूचा ने टोटल 17 बैटल्स लड़े हैं जिनमें से वो 9 जीत पाया, यानी कि उसका विन रेट 53% है। और गलती से भी ये मत सोचना कि उसके ओपोनेंट्स कोई कमजोर पोकेमॉन थे। उसने अबामस्नो को हराया, उसने एक मेगा एब्सोल को भी हराया, और खास करके वेलरी के स्पिट्जी को जो उसने बेब्लेड बन के और उसे फुटबॉल बना के जो हराया वो तो कमाल का। इसके बाद आते हैं नॉइवर्न और गुड्रा। हमें इन दोनों से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नॉइवर्न का विन रेट सिर्फ 30% है, वो 1 बैटल जीत पाया और 3 हार गया। दूसरी तरफ अगर हम गुड्रा की बात करें तो कैलॉस लीग में आने से पहले 1 भी मैच नहीं हारा था। जी हाँ, 100% विन रेट, मुझे लग रहा था कि कैलॉस लीग में तो ये तबाही मचा देगा। पर यहाँ पहुँच के वो 1 भी बैटल नहीं जीत पाया, सिर्फ 1 टाई हुई वो भी स्लर्प ऑफ के साथ। इसके पीछे का रीजन ये है कि एस ने इन दोनों को उतना ट्रेन नहीं किया जितना कि उसे करना चाहिए था। उसका पूरा फोकस सिर्फ 1 पोकेमॉन पे था और वो है ग्रेंजा। मुझे इसके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, तुम सबको पता है कि ये इस टीम का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है और एस ग्रेंजा ये तो शायद उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। नहीं, 1 मिनट, मैं चार्जार्ड को कैसे भूल सकता हूं? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। रीजन नंबर 4, एस के कंपेनियंस या फिर मैं कहूं साइड कैरेक्टर। सबसे पहले क्लेमॉन। अच्छी बात ये थी कि इस बार पोकेमॉन कंपनी वाले ब्रॉक की कोई सस्ती कॉपी लेके नहीं आए थे। हां, शायद साइलेंट
अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन ब्रॉक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लेमेंट और ब्रॉक में भी कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे कि वो भी एक जिम लीडर है और खाना बनाता है, लेकिन क्लेमेंट एक काफी यूनिक कैरेक्टर है। लीडर और कॉनोसूअर से ज्यादा ये साइंटिस्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हर एक एपिसोड में वो नए नए गैजेट्स लेके आता था और थोड़ी डोरेमोन वाली वाइब्स देता था। और क्योंकि उसकी और एस की एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से एस भी उसके साथ थोड़ा और फ्रेंडली रहता था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्लेमेंट की एज कितनी है तो वो आपको बताएगा 15 या फिर 16 साल। मुझे लगता है कि ये गेम्स में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो तुम देख सकते हो ये दोनों ऑब्वियसली सेम एज के लग रहे हैं। और हमारा एस तो पिछले 25 सालों से 10 साल का ही है, तो क्लेमेंट भी 10-11 साल का होगा। शुरुआत में उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके खुद के जिम से उसके खुद के बनाए रोबोट ने उसे बाहर फेंक दिया, और फिर वो इस रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। और जब एस इस जिम को चैलेंज करने वाला था, तब क्लेमेंट इस ग्रुप को छोड़ के पहले ही जिम में पहुंच जाता है, ताकि वो स्ट्रेटजीज बना सके, ट्रेनिंग कर सके और एस को बैटल में एक अच्छी टक्कर दे सके। और ये जिम बैटल सच में खास था, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब क्लेमेंट का कोई खास रोल है नहीं था। आगे जाके उसने बॉन्ड इवोल्यूशन को समझने में भी एस की मदद की। ओवरऑल वो काफी अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन अगर इन तीन कंपेनियंस में मुझे उसे रैंक देना होता तो वो तीसरे नंबर पे आता। अब बात करते हैं सरीना की, जिसकी पॉपुलैरिटी मिस्टी के बराबर है, और ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि मिस्टी एस की पहली कंपेनियन थी। उसने तीन रीजंस ट्रैवल किए थे एस के साथ, और उसके बाद भी वो तीन बार वापस आती है, और नहीं सॉरी, चार बार वापस आती है, क्योंकि एडवांस चैलेंज में एक बार होइन लीक से पहले और एक बार लीक खत्म होने के बाद वो वापस आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना स्क्रीन टाइम मिस्टी को मिला है, उसका आधा भी सरीना को नहीं मिला, बावजूद भी वो लोगों की फेवरेट हो गई। ये दिखाता है कि वो कितनी ग्रेट कैरेक्टर है। उसकी सबसे खास बात ये है कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे तेज था, क्योंकि एपिसोड नंबर 46 में उसने पहली बार आर्या को शोकेस में परफॉर्म करते हुए देखा, और तब उसने डिसाइड कर लिया कि उसे भी यही करना है। इससे पहले उसका कोई गोल नहीं था, वो बस अपने पुराने दोस्त को मिलने आई थी सिर्फ ये सुनने के लिए। हाँ, मुझे कैंप याद है, पर मुझे तुम नहीं याद आ रही हो। क्या क्या मैं याद नहीं हूँ? टिपिकल एस कैच, वो भले ही उसे भूल गया हो, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम में से 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। इतने तो मेरे एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आते। खैर, अपनी मम्मी से परमिशन लेने के बाद एपिसोड नंबर 61 में फाइनली वो अपने पहले शो केस में एंटर करती है। जी हाँ, आधी से ज्यादा XY सीरीज खत्म होने के बाद उसकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। इसमें फैनकिन का पैर फिसल जाता है और इस वजह से वो हार जाती है। चलो, पहला ही तो शो केस था, इस वजह से हार गए, हम होते तो हम ऐसा सोचते, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी अपने गोल को लेके। उसने शुरुआत भले ही लेट की थी, लेकिन बाद में वो नहीं रुकी। फिर उसने लगातार 200 केसेस जीते। उसके बाद उसने 100 केस में ईवी को ट्राई किया, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि ऑडियंस के सामने थोड़ी नर्वस हो जाती थी, और इस वजह से उससे एक छोटी सी गलती हो गई और सरीना ये 100 केस हार गई। लेकिन फिर इसी ईवी ने सेल्वियन बनके सरीना को अपना आखिरी प्रिंसेस की जितवाया। अब वक्त आ चुका था मास्टर क्लास का। बाकी सभी परफॉर्मर्स को हरा के सरीना फाइनल में पहुंच चुकी थी, जहां पे उसका सामना होने वाला था आर्या के साथ। उसने आर्या को काफी कड़ी टक्कर दी, लेकिन क्योंकि आर्या के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है सरीना से, इस वजह से उसे ज्यादा वोट्स मिले और वो जीत गई। लेकिन अपने पहले ही ट्राई में मास्टर क्लास के फाइनल्स तक पहुंचकर येलो स्क्रीन को इतना टफ कॉम्पिटिशन देना, ये सच में काबिले तारीफ। ऑब्वियसली कंपेनियंस की इस लिस्ट में मैं उसे पहला रैंक दूंगा। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने स्क्वाड को परफेक्ट बना दिया। बॉनी को इस टीम में ऐड करना केक के ऊपर चेरी रखने जैसा था। ऐसा ही एक कैरेक्टर उन लोगों ने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि था मैक्स, लेकिन वो एक बोरिंग कैरेक्टर था, उसके कोई ज्यादा काम नहीं था एनिमे में। लेकिन बॉनी के केस में ऐसा नहीं है, उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था, जो कि वो ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में करती थी। मजा तो तब आया जब एक बार सामने वाली लड़की सच में मान गई और बॉनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरे एपिसोड में बस यही कोशिश कर रही थी, कुछ भी करके उसे अपने भाई से दूर रखे। यार एंड में फिर वो चली जाती है, लेकिन ये सब तो हुई मजाक की बात है। जो असली काम था बॉनी का इस सीरीज में, वो था स्क्विशी, यानी कि ज़ायगार्ड का ध्यान रखना, और उसने वो किया। वो एपिसोड आप लोग भूले नहीं होंगे, जहां पे ज़ायगार्ड को टीम फ्लेयर ने कंट्रोल कर लिया था, और तब सिर्फ बॉनी की वजह से वो वापस होश में आ पाया। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इस लिस्ट में वो नंबर 2 पे आती है। रीजन नंबर 5, चाहे वो एस के हो या फिर सरीना के, वो सभी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। हाँ, इन दोनों को छोड़ के अच्छी बात ये थी कि इनमें से एक भी घमंडी कैरेक्टर नहीं था, ठीक है, गैरी या फिर पॉल या फिर ट्रिप जैसा। सबके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन था और इस वजह से सबका अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो पाया था। जैसे सॉयर को ही देख लो, वो हमेशा एस से सीखता रहता था, और इस वजह से एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसने एस को पीछे छोड़ दिया था। वैसे तो ये सभी राइवलरीज अच्छी थी, लेकिन जो राइवलरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो सरीना और मियाट की थी, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई सिर्फ शोकेस को
कपड़े के नहीं थी, कुछ और भी था। तुम लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे सभी कैरेक्टर्स की वजह से मास्टर क्लास और कैलॉस लीग दोनों ही और ज्यादा मजेदार हो गए थे। और ये कैलॉस लीग ही है हमारा रीजन नंबर 6। इस लीग में हमें ऐसे बैटल्स देखने को मिले थे जो उससे पहले हमने कभी नहीं देखे थे। और ऐसा नहीं है कि इसका रीजन सिर्फ उसका एनिमेशन था, वो तो चलो हर एक सीजन में इम्प्रूव होता रहता है, लेकिन इस लीग की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी मेगा इवोल्यूशन और एस ग्रीनजा का बॉन्ड इवोल्यूशन। अच्छा चलो अब एस की बात कर लेते हैं। उसने इस लीग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया था, उससे जितना हो सकता था उसने वो सब कुछ किया और पहली बार वो किसी लीग के फाइनल तक पहुंच पाया था। हाँ पता है मुझे, वो ऑरेंज लीग में भी पहुंचा था, लेकिन उस लीग को तो वैसे भी कोई कंसीडर नहीं करता और ज्यादातर लोग तो उसके बारे में भूल भी गए। खैर ऐसा भी नहीं था कि ये लीग एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि इसमें दो ऐसी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो देखो इस लीग की वो काफी टाइम से हाइप क्रिएट कर रहे थे, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि हमें इस लीग में एटलीस्ट 3 या फिर 4 फुल बैटल्स देखने को मिलेगी एस की। लेकिन ना, ऐसा नहीं हुआ। हमें सिर्फ 2 पूरी बैटल्स देखने को मिली थी एस की, एक थी एस वर्सेस सॉयर और दूसरी एस वर्सेस चलान। इससे पहले इस लीग में एस के सिर्फ 2 बैटल्स नहीं पर उनकी झलक दिखाई थी। ये देखो सामने वाले ट्रेनर्स के 2 पोकेमॉन, इन्हें ऐसे हराया। अब इनके बाकी के पोकेमॉन्स कौन से होंगे और उन्हें एस ने कैसे हराया होगा वो तुम खुद ही गैस कर लो। मतलब ये क्या बात हुई यार, जब तुम साइड कैरेक्टर्स की भी बैटल्स दिखा रहे हो तो क्या मेन कैरेक्टर की बैटल दिखाना तुम्हें जरूरी नहीं लगा? दूसरी चीज जो सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन तुम में से भी शायद 90% लोगों को पसंद नहीं आई होगी, वो थी इस लीग का फाइनल मैच। डायरेक्ट इस मैच के आखिरी पड़ाव की बात करते हैं, यानी कि तब जब एस ग्रिंजा और मेगा चार्जर एक्स आमने सामने थे। दोनों ने काफी टाइम तक लड़ाई की और फाइनली अपना आखिरी अटैक करने के लिए तैयार थे। अब तो एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि भाई ग्रिंजा वाटर टाइप होने के बावजूद भी ब्लास्ट बर्न को नहीं सह पाया, लेकिन आखिर ये चार्जर इस वाटर शुरिकेन से कैसे बच गया, वो जिंदा भी कैसे है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल शुरिकेन नहीं फेंका था उसने, ये जायंट मेगा हाइपर शुरिकेन, चाहे आप कुछ भी नाम दो इसे, पर हम सबको बताया कि ये ग्रिंजा के किसी भी आम शुरिकेन से 3 या फिर 4 गुना बड़ा था। ये शुरिकेन इतना ताकतवर था कि इससे मेगा सेफ्टाइल जो की एक ग्रास टाइप पोकेमोन है वो भी हार गया था। चार्जार्ड के सामने लड़ाई करते वक्त तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, पर पता नहीं कैसे लेकिन ये फायर टाइप पोकेमोन उससे बच गया। पोकेमॉन लॉजिक। अब तो देखो इसके पीछे सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो वो शुरिकेन मिस हो गया होगा या फिर राइटर्स ने ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त कुछ फूंक लिया होगा, और कोई रीजन नहीं हो सकता। खैर अगर हम इन 2 चीजों को इग्नोर करें तो ओवरऑल ये लीग देखने में काफी ज्यादा मजा आया। वैसे तो किसी भी सीजन में लीग खत्म होने के बाद जो भी एपिसोड्स आते हैं वो फिलर होते हैं, लेकिन XYZ में ऐसा नहीं था। यहां तो अब क्लाइमैक्स शुरू होता है और वही है हमारा रीजन नंबर 7। जिस तरीके से उन लोगों ने इस सीरीज को एंड किया वो तो सच में ऑसम था यार, मजा आ गया देख के, मजा आया। लाइसेंडर के इस जायंट रॉक को रोकने के लिए कैलॉस रीजन के सभी जिम लीडर्स इकट्ठा हुए थे और उनके साथ थे 2 चैंपियंस, एक कैलॉस की चैंपियन डायन था और होइन का चैंपियन स्टीवन स्टो। बाद में एलान और एस ने मिलके उस चेस्टमैन को वहां से निकाल लिया और इस रॉक को रोक दिया। तो हमें ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो खेल खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं था। लाइसेंडर वापस आ गया था और उसे रोक पाना एकदम नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसी वक्त ज़ायगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है और उसने लाइसेंडर का काम तमाम कर दिया। मतलब लिटरली सच में मरी गया वो। उसके बाद एक एपिसोड में एस ग्रिंजा को गुड बाय कह देता है और फिर आता है आखिरी एपिसोड जहां इस सीरीज का सबसे बेस्ट सीन हमें देखने को मिला था। जी हाँ, उस एलिवेटर पे हुए कांड की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर तुम लोगों ने मेरी तरह वो एपिसोड टीवी पे देखा है तो तुम सबको पता होगा कि वो सीन कट कर दिया गया था। मुझे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मेरा मन कर रहा था कि या तो मैं रिमोट टीवी पे फेंक दूं या फिर अपने आप को ही टीवी पे फेंक दूं। खैर अब वो सवाल आता है जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में पूछा था कि क्या ये सीजन सबसे बेस्ट है। मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, ये मेरी फेवरेट सीरीज है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे ओपिनियन से आप लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं रिसर्च करने बैठ गया। सबसे पहले IMDb जिसमें इसे 8.2 स्टार्स की रेटिंग मिली है जो कि किसी भी दूसरे पोकेमॉन सीरीज से ज्यादा है। माय एनिमे लिस्ट में XY को 7.41 और XYZ को 7.76 स्टार्स की रेटिंग मिली है और ये भी पोकेमॉन के बाकी सीजन के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। प्राइम वीडियो पे XY को 4.8 स्टार्स और XYZ को 4.7 स्टार्स की रेटिंग मिली है। अच्छा चलो इन सब चीजों को छोड़ो, हम डायरेक्ट ये बात करते हैं कि जापान में सीरीज ने कैसा परफॉर्म किया था। जब वहाँ टीवी पे पोकेमॉन XY आया करता था तब वो टॉप 10 शोज में से एक हुआ करता था। इसकी एवरेज हाउस होल्ड रेटिंग 4.5, 5.3 या फिर 6.4 हुआ करती थी। अगर हम इसे कंपेयर करें पोकेमॉन होराइजंस के साथ जो कि अभी चल रही है जापान में, तो उसकी एवरेज रेटिंग आती है 1.5 या फिर 1.7। इतना ही नहीं, 2015-16 में पोकेमॉन एक ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ करता था इस सीरीज की वजह से।
इसी साल जापान में कॉन्टेस्ट हुआ था और तब ये सामने आया कि पॉपुलैरिटी के मामले में ग्रीनजा ने बाकी सभी पोकेमॉन्स को पीछे छोड़ दिया है, इवन चार्जार और पिकाचू को भी। इन शॉर्ट ये जो बात है ना कि भाई एक्स वाई जापान में फ्लॉप हो गया था, ये बस एक अफवाह है। जापान तो क्या किसी भी जगह पे वो फ्लॉप नहीं हुआ था। तो अब शायद कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि आरजी भाई अगर ऐसा ही है तो फिर उन लोगों ने सन एंड मून में आर्ट स्टाइल को क्यों चेंज कर दिया। देखो सिंपल सी बात है, पोकेमॉन दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया फ्रेंचाइज है, वो आए दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रिस्क लेते रहते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने अपने एनिमे का मेन कैरेक्टर भी बदल लिया, उनके लिए आर्ट स्टाइल बदलना कौन सी बड़ी बात है। जैसे एक्स वाई को उन्होंने थोड़ा सीरियस बनाया था, वैसे ही सन एंड मून को थोड़ा फनी बनाने की कोशिश की। तो बेस्ट सीजन कौन सा है ये तो हमें पता चल गया।